अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद आयशा। और आज हमारी भाभी, प्यारी भाभी बना रही हैं सेवइयां। ठीक है, तो एक मिनट तक फ्राई करना है इसको। क्या हल्की आंच पे करना? जी मतलब नॉर्मल आंच पे। नॉर्मल आंच पे दूध भी रखा हुआ है, साथ इसमें चीनी डालनी है ना? जी बाद चीनी, वो ये बाद में सेवइयां ऐड करके चीनी डालनी है उसके बाद। अच्छा, अब इसमें दूध मिलाकर 7 मिनट तक दूध मिला के सही है। पहले फ्राई इसको वैसे करना है ना, फिर दूध मिला के 7 मिनट तक इसमें दूध मिला के अब इसमें चीनी मिलाकर 2 मिनट तक पकाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, सही है। हमने कस्टर्ड वाली बनानी है ना, सीरियल बीच में डाल के ना, तो हाँ। फिर हम 2 टेबलस्पून कस्टर्ड इसमें ऐड कर लें, या फिर हम पहले कस्टर्ड ऐड कर लें। नहीं जैसा, पहले सेवइयां ऐड करके पका लें फिर कस्टर्ड ऐड कर लें। सेवइयां ऐड करके 2 मिनट तक पका है, नहीं क्या हो गई जाएगी, बस इसको क्रिस्पी तो करना है ना, बस हो गया। हाँ अब दूध को पहले बॉयल, तो इसको दूध में मिक्स कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून हम डालते हैं इसके अंदर। वो भी सही रोस्ट हो गई मज़े की। चल अब ये सही पकेंगे मज़ेदार से। आ गया ना इसका बॉयल, बॉयल आ गया। आप डालो ना इसके अंदर कस्टर्ड। हाँ अब इसको मज़ीद 10 मिनट पकाना है। कर दो बर्तन भी भाभी ने जलाया नहीं कहता कोई। ऐसा है कि मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग हो गई है ख़त्म, हम इसको पहले लगाते हैं चार्ज पे और इतनी देर में ये ठंडी हो जाएगी तो फाइनल रिजल्ट सबके साथ फिर शेयर करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस रेसिपी को आप लाजमी अपने घरों में ट्राई आउट कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी, और कमेंट डाउन ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से देख रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट व्लॉग है उसका वेट ज़रूर कीजिएगा, उसमें हम विनर अनाउंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।